आपकी मेकअप जर्नी रही? मेकअप वाली लाइन में कैसे आए मैं बेसिकली एक कॉमर्स बैकग्राउंड से मेकअप करता, मेरे को सच्ची कुछ नहीं पता था कि करना क्या है आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था खराब करा एक डेढ़ साल Sir, being a boy, parents support नहीं करते हैं। करा घर के एक छोटे सेटअप से उसको डिफिकल्ट लगता है हिमांशु तेरे को बाहर निकलने की जरूरत है हाय गाइस वेलकम बैक टू हिमांशु गुप्ता मेकअप यूट्यूब चैनल जिस पे आपको बहुत सारी हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करते हैं बहुत सारी नॉलेज देते हैं बहुत सारी आपको लुक्स देखने को मिलती है बट आज हम आए हैं बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके बच्चे यार बहुत बारी मेरे को पूछते हैं कि सर आपकी मेकअप जर्नी कैसी रही आपने कैसे शुरुआत करा अगर थोड़ी सी मैं सक्सेस अगर मानूं हमने मेहनत करी है तो हमने कैसे मेहनत करके आज अपना स्टूडियो ओपन करा है और कैसे हम अपने स्टूडियो को रन करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको आज इस वीडियो में अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना तो सर आपने स्कूल में कैसी फील्ड ऑप्ट करी थी एंड आप ये मेकअप वाली लाइन में कैसे आए यार मैंने आ, मैं बेसिकली एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने कोई भी कॉमर्स देखो जब हमने ट्वेल्थ पास करते हैं ना हम हमेशा सोचते हैं कि आ, मैं नॉन मेडिकल लूँगा मैं मेडिकल लूँगा बट मेडिकल से तो हम कोसों दूर हैं क्योंकि मेरे को ये मेडिकल लाइन बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मैं तो इंजेक्शन तक भी नहीं लगवा सकता और साथ में नॉन मेडिकल बहुत औखी थी मैंने गलती से कॉमर्स में मैथ्स ले लिया था तो मेरी तो छोटा सा जो मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया उसमें ही बैंड बज गई थी तो हाँ मेरे पापा एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो बेसिकली बहुत देर से और बहुत ही एक अच्छे अकाउंट्स टीचर हैं तो उनको देख के फिर मैंने कॉमर्स की लाइन ऑप्ट करी थी और कॉमर्स के बाद करने के बाद जब हमने बी शुरू करी मैंने अपना कॉलेज किया बी ऑप्ट करी तो बी के टाइम पे मैंने सी शुरू कर दी अपने पापा के कहने पे क्योंकि बी आई थिंक तीन साल की होती है और तीन साल की बीकॉम होती है और तीन साल पापा कहते क्यों पर बात करने है चलो कोई बात नहीं और मैं ऐसा बच्चा था जिसको कुछ नहीं पता आगे क्या करना है हाँ जस्ट एक फैमिली बैकग्राउंड लग रहा था कि शायद अगर मेरे पापा टीचर थे तो मैं भी टीचर बनूंगा और मैं भी आगे बच्चों को पढ़ाऊंगा और इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट में मैं एजुकेटर एज अ एजुकेटर काम कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बट नॉट अकाउंट्स एक मेकअप फील्ड में हूँ और बस सीए करते करते बस तब भी मेरी बैंड बज गई हम पास नहीं हुए हम फेल हो गए और इतने में ही हमारी बी कॉम कम्प्लीट हो गई तो सर ये बताओ कि अगर आप मेकअप ना ऑप्ट करते तो आप क्या लेते यार अगर मैं मेकअप ना ऑप्ट करता मेरे को सच्ची कुछ नहीं पता था कि करना क्या है मैं हमेशा ना YouTube पे सर्च करता हूँ बहुत ज़्यादा YouTube पे सर्च करता हूँ कि यार क्या बनना चाहिए क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं बट वो कहते थे अपना इंटरेस्ट देखो बट सच्ची में बताऊँ कोई इंटरेस्ट नहीं होता था बट हमेशा एक इंटरेस्ट ये रहा है कि यार पढ़ाई वाला काम नहीं मैंने पकड़ना कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो अब सी में भी यही काम था अमेंडमेंट आती थी फिर कुछ ना कुछ रिवाइज करना पड़ता था फिर पढ़ना पड़ता था फिर अकाउंट से यार बहुत बोरिंग हो गया था तो इसीलिए मेरे को कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाना था जिसमें हम क्रिएटिविटी कर सकें परफॉर्म कर सकें इंटरेस्टिंग रहे मज़ा आए मतलब रोज़ रेगुलर मज़े वाली फील्ड चाहिए थी तो मैंने शुरू करा था अपनी फील्ड ग्राफिक एंड विजुअल डिज़ाइनिंग की अरेना एनिमेशन के साथ जो कि मेरा बहुत ही अच्छी जर्नी रही और वो मेरे को मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है कहते हैं ना कि यार जो भी सीखा होता है वो हमेशा हमारे को फ्यूचर में हेल्प करता है तो मेरी सी जो भी मेरी नॉलेज थी मैंने अभी जो ग्राफिक एंड विजुअल डिज़ाइनिंग का कोर्स करा है वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में बहुत अच्छा काम आ रहा है और हाँ एक फील्ड थी सिनेमेटोग्राफी वो भी बहुत ज़्यादा डीप थी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मुश्किल था जिसे आप बोल सकते हो फिल्मों की लाइन या बॉम्बे जाके सिनेमेटोग्राफी करना डायरेक्टर बनना बट Uh, थोड़ा हम कई बार सक्सेस को जल्दी पाना चाहते होते हैं ना तो वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि ये मेरे बस का काम नहीं है तो फिर जितना सीखा मैंने साल लगाया और अपना कोर्स करा और मेरे को अभी वो उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है फाइनली मुझे ये बताओ कि आप इस फील्ड में कैसे आए आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था तो uh... ड्यूरिंग uh, जो मैंने इतना टाइम खराब करा एक डेढ़ साल खराब नहीं करा इन्वेस्ट करा बट हाँ मेरे को उसका इतना फ़ायदा नहीं बना या मैं उसमें फ्यूचर नहीं बना पाया तो जो भी मैंने कोर्सेज या अपना सीए में टाइम लगाया तो एक डेढ़ साल मेरा निकल गया उतनी देर में साक्षी गुप्ता जो मेरी रियल सिस्टर हैं जो लुधियाना इवन पंजाब में बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने उनको दो साल हो चुके थे मेकअप का इस फील्ड में ज्वाइन करे हुए तो एक बार ही साक्षी ने मेरे को जस्ट ऑफ़र किया कि हिमांशु यार हम दोनों की ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसकी ज़्यादा अच्छी थी बट मेरी हाँ मैं भी मानता हूँ मेरी अच्छी थी स्केचिंग वगैरह कलरिंग नहीं बट स्केचिंग बहुत अच्छी थी तो जो मैं अपना ग्राफिक एंड विजुअल डिजाइनिंग में करता था तो सेम वो हम आ, लोगों के फेस पे कर रहे थे मेकअप फील्ड में तो उसने जस्ट मेरे को ऑफ़र किया कि हिमांशु यार आ एक बार ही मेकअप कर तो जैसे ही मैंने परफॉर्म करा तो शायद उसने मेरे को पहचान लिया कि हम इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और दोनों ब्रदर सिस्टर हम बहुत ही अच्छा एक नाम क्रिएट कर सकते हैं तो आ, मेरा जो जर्नी का स्टार्टअप रहा है वो मेरी बहन की वजह से रहा है और कंप्लीट मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम था साक्षी गुप्ता का अगर वो इस फील्ड में ना होती तो शायद मैं या तो टीचर होता या किसी जॉब पे लगा होता या अगर आप मानते हो कि मैं एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट अभी हूँ तो मैं उसकी वजह से हूँ और शुरुआत में हमने बहुत मेहनत करी बहुत कुछ आ, बहुत सारी प्रैक्टिस करी और मेरा मैं बहुत ज़्यादा ना डरने लग गया था मेकअप फील्ड से भी ऐसा नहीं है कि जाते ही मेकअप आने लग गए ऐसा नहीं है कि जाते ही Uh, मेरा मेकअप अच्छा था बहुत सारी प्रैक्टिसज करी uh, बहुत सारी मॉडल्स पे पेड मॉडल्स पे बहुत सारे फ्री मेकअप्स करे तो बस uh, हर फील्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं डर तो लगता ही है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं स्टेज पे परफॉर्म करना बच्चों को सिखाना मेकअप करना क्लाइंट पे चेंजेस करने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं बट मेरा ये मानना है जब तक हम उस उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं करते तब तक वो हर्डल बना रहता है और हम ओवरकम नहीं कर पाते Being a boy, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं बट आपके पेरेंट्स का कैसा रहा सपोर्ट यारेरेंट्स uh, मेरे बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट आप सब अगर uh, मेरे इंस्टाग्राम पे देखते हो तो साक्षी ने वांशु गुप्ता के uh, ये पापा को तो आप जरूर जानते हो वो बेसिकली शुरू से एक टीचर रहे है हैं बट जो उनका नेचर है वो हमेशा ओपन रहा है किसी भी चीज को लेके कभी उन्होंने ना नहीं करी बट सिर्फ उनकी एक स्टेटमेंट है जो भी आपको करना है बेस्ट करना है किसी भी फील्ड में करना है बेस्ट करना है कोई गलत लाइन में नहीं जाना कोई गलत चीज़ नहीं करनी किसी को मतलब मिसगाइड नहीं करना या खुद मिसगाइड नहीं होना तो जो भी करो तो जब मैंने सी को ड्रॉप करा उन्हें ऑब्वियसली थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि हर आ, पेरेंट्स का होता है कि सीए बनना एक ड्रीम होता है थोड़ी सी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रही होगी जो शायद उन्होंने अभी तक मेरे साथ नहीं शेयर करी उसके बाद जब हमने मेकअप फील्ड को चूज़ किया साक्षी ने मेरे को ऑफर किया और मैंने मेकअप फील्ड को चूज़ किया तो उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल था और मेरे को उन्होंने बहुत ओपनली सपोर्ट करा स्टूडियो ओपन करके दिया हम दोनों को इन्वेस्टमेंट करी कोर्सेज करवाए ओपनली हमने अपने रिश्तेदारों को बताया मतलब सबको बताया तो उनको कभी भी शर्म नहीं आई कि लाइक मेरा मुंडा एक मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है और वो बड़े आजकल प्राउडली बोल सकते हैं और हमने उसको करके दिखाया और करते जा रहे हैं तो सर आपने डायरेक्ट स्टूडियो ओपन करा या फिर आपने भी घर से शुरुआत की यार ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए सबकी जर्नी सेम रहती है ऑलमोस्ट ऑब्वियसली हमारे पास बहुत आ, मतलब ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करा है बट हर बच्चे के मन में ना यार हमारे भी इवन डर होता है कि यार अगर इतना बड़ा सेटअप कर दिया जिसपे इतने सारे लाख लग जाते हैं एक छोटा सा सेटअप करने में क्योंकि जब मेकअप स्टूडियो की बात आती है और मेकअप की बात आती है तो हम बहुत सारे मतलब इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आप जितने मर्जी पैसे लगा दो वो आपको कम लगते हैं तो इसीलिए ऑब्वियसली हमने स्टार्ट करा घर के एक छोटे सेटअप से हमारे पास एक ड्राइंग रूम था ऊपर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स एंड फॉलोअर्स हैं उन्हें पता होगा कि जो हमारी शुरुआत हुई है वो घर से शुरुआत हुई है एक छोटा सा कॉर्नर लिया खुद ही वॉलपेपर लगाए अपने वॉल्स पे और रूम को एक सिर्फ सुंदर सा पेंट करवाया एक छोटा सा सेटअप था फिर उसके बाद तब वो सिर्फ साक्षी कर रही थी मैं नहीं कर रहा था बट हम जब शुरुआत हुई हम दोनों ने किया तो हमने उसी ड्राइंग रूम को अच्छी खासी स्पेस दी तो उसी ड्राइंग रूम को हमने एक स्टूडियो में कन्वर्ट करा और एक ही स्टूडियो में हमारे पास चेंजिंग रूम था एक ही स्टूडियो में हमारे पास अकेडमी थी उसी रूम में हमारे पास मेकअप भी होते थे और उसी रूम में हमारे पास सिटिंग एरिया था या उसी रूम में हमारे पास रिसेप्शन भी थी बस टाइम टाइम की बात होती है तो बहुत अच्छा हमारा वो एक्सपीरियंस रहा अब बात अगर करें हमने डेढ़ से दो साल वहीं पर किया उसके बाद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करी और ऑब्वियसली हमारे पास अपने पेरेंट्स का फुल ऑन सपोर्ट था तो हमने एक अच्छे एरिया में एक जगह को रेंटेड लिया और साथ ही साथ उसमें स्टूडियो ओपन करना शुरू कर दिया और आज हमें टोटल इस इंडस्ट्री में मतलब इस स्टूडियो को ओपन हुए आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सिक्स इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट और मेरे को इस फील्ड में हो चुके हैं सिक्स टू सेवन इयर्स मेरे को हो चुके हैं और आज हमारे पास सेपरेट रूम है फॉर हेयर रूम फॉर मेकअप फॉर अकेडमी फॉर मतलब अलग से वॉशरूम है तो ये सब हमारी मेहनत है और आगे भी मेहनत करनी है आगे बहुत अच्छे हमने और स्टूडियोज ओपन करने हैं तो विदाउट फैमिली सपोर्ट ये सब पॉसिबल नहीं था सर स्टार्टिंग में आपके पास क्लाइंट्स कैसे आए और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है जब मैंने मेकअप की शुरुआत करी मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था और जो भी बॉय ये वीडियो देख रहा है मेरे को पता है उसको डिफिकल्ट लगता है मतलब मेरे को तो यार बहुत ज्यादा लग रहा था मेरे ना हाथ ना ऐसे शिवर करते थे मतलब जिस दिन मॉडल पे कर रहा हूं तो ठीक है क्योंकि मॉडल ने तो हमें कभी कुछ कहना नहीं है गलत सही है उसको पैसे मिलते हैं तो जस्ट uh, वो मनी uh, लेते हैं उनको अपनी सर्विस देनी है फेस देना है तो हम उन पर जैसा भी मेकअप करते हैं वो ऑलवेज फाइन होते हैं बट अगर क्लाइंट हमारे से फ्री में मेकअप भी करवाता है उनको बेस्ट चाहिए उनको बहुत ऑडियंस है उधर देखने वाली जज करने वाली हमारे काम को जज करने वाली तो जब भी मेरे पास क्लाइंट की बुकिंग हो जाती थी तो मैं डर जाता था कि कल मेरे पास क्लाइंट की बुकिंग है और क्लाइंट मेरे पास कैसे आए पहले स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था और ऐसे होता था कि लाइक अगर साक्षी के पास ब्राइड है तो उसके साथ अगर हम स्टार्टिंग में एक मेकअप फ्री देते थे तो मामा या बहन कोई भी मेकअप होता था तो वो मेरे को मिल जाता था तो हमने बहुत सारे स्टार्टिंग में एक डेढ़ साल मैंने बहुत सारे फ्री मेकअप करे हैं और फ्री करते करते मैंने पेड थोड़ा करना शुरू करा फिर थोड़ा सा रिस्पांस आना शुरू करा हमने बहुत सारे शॉप्स को अप्रोच करा बहुत सारे सपोर्टर्स ज्वेलरी सपोर्टर्स कॉस्मेटिक शॉप्स बहुत जानों ने हमें सपोर्ट करा और थोड़े थोड़े क्लाइंट्स जब उनको काम अच्छा लगना शुरू हुआ और हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स अपने आप आने शुरू हो YouTube फैमिली ये जानना चाहती है कि आपने मेकअप कहाँ कहाँ से सीखा है सिर्फ साक्षी मैम से ही सीखा है या आपने बाहर से भी सीखा है तो हमने जो मेकअप की शुरुआत करी देखो मेरे जो एक गुरु हैं वो हमेशा रहने वाले हैं साक्षी गुप्ता चाहे हम आपस में बहुत लड़ते हैं बट ये वीडियो देख के शायद वो इमोशनल ना हो जाए बहुत हम लड़ते हैं और मैं सीरियसली बताता हूँ जब मैंने स्टार्ट करा मेकअप मैंने सीखा साक्षी मैम से ही है होल एंड सोल आज भी सीखता आ रहा हूँ और आज भी उनके जैसा करने की पूरी कोशिश करता हूँ उसके बाद एक टाइम पे हमें लगना शुरू हो गया था साक्षी और मेरे को कि हिमांशु तेरे को बाहर निकलने की जरूरत है तो फिर मैंने ऑप्ट करा मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी आफ्टर साक्षी मनवीन मैम से आ, मेक ओवर्स बाय मनवीन पीतमपुरा में है तो मैंने वहां से अपनी कोर्स की जर्नी मतलब आफ्टर साक्षी गुप्ता शुरू करी वहां पे एक से डेढ़ महीने का कोर्स था तो वहां पर मैंने मेकअप का कोर्स करा आफ्टर दैट मैं दोबारा आया और दोबारा मैंने अपने स्किल्स को रिन्यू करा दोबारा साक्षी के पास सीखा उसके बाद मैंने हाल ही में एक साल पहले एक से डेढ़ साल पहले मैंने कोर्स किया था विद द समायरा मैम आई थिंक वो फाइव या सिक्स डेज की क्लास थी समायरा संधू मैम से और वो भी क्लास बहुत मज़ेदार थी बहुत मेरा अच्छा फीडबैक रहा उनके लिए भी और अभी दोबारा आने के बाद ऑब्वियसली हमें अपना ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है जब भी आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से सीखने जाते हो आप उनकी टेक्निक जरूर सीखते हो बट जरूरी नहीं है कि आपका मेकअप उनके जैसा ही हो तो हमारी जो क्लाइंटेज है वो ऑलवेज मांगती है कि हमें साक्षी ने हिमांशु गुप्ता जैसा मेकअप चाहिए तो हम सारा मिक्स एंड मैच करके सारा गुड़ गुड़ करके हम बना देते हैं हमारा टेस्ट और वही हमारी क्लाइंटेज को पसंद है और आगे मेरी सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है जैसे ही टाइम मिलेगा हम न्यू न्यू कोर्सेज करते रहेंगे सर हम आपकी जर्नी की वीडियो एंड करते हैं बट मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप बच्चों को सिखाते टाइम अपने माइंड में क्या रखते हो यार अगर मेकअप करते के टाइम की बात करें अगर लाइक like मैं पार्टी मेकअप या कोई भी ब्राइड को रेडी करता हूँ मैंने चाहे उनसे दो हज़ार चार हजार दस हज़ार तीस हज़ार बीस हज़ार जितने भी चार्ज करते हैं तो हमारा सिर्फ एम ये होता है कि वो फुली सैटिस्फेक्शन से जाए उनके अकॉर्डिंग मेकअप होना चाहिए और मतलब जब काम करना है ना आपको अपना पूरा दिल उसके मेकअप में डालना है पूरी जान उसके मेकअप में डालनी है अगर आपको मेरा सिर्फ इतना मोटिव रहा है कि अगर उस क्लाइंट का फीडबैक मेरा सर्विस में मेरे मेकअप से अच्छा आएगा तभी वो मेरे को क्लाइंट्स दे पाएंगे सेम विद द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए मेरे को होता है कि अगर वो इतने पैसे स्पेंड करके इतने दूर से कोई बॉम्बे पुणे कर्नाटका बैंगलोर Uh, कुछ आउट ऑफ कंट्री से आते हैं स्पेशल हमारा कोर्स करने आते हैं आउट ऑफ इंडिया या पैन इंडिया से आते हैं तो मेरा सिर्फ एक पर्पस रहता है कि उसे एक एक चीज़ ऐसी बता दूं कि अगर वो कहीं से भी कोर्स करना चाहता है या कोर्स नहीं भी करते हैं तो एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन जाए और हम पूरे तरीके से उसे चार्ज करके या बूस्टअप करके मतलब मेरे को ना सिर्फ एक चाहिए कि बच्चा जब भी या मेकअप कोई करवाए तो एक पॉजिटिव वाइब लेके मेकअप करवाए या पॉजिटिव वाइब लेके किसी पे मेकअप करे और मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी वैसे ही रहता है आ, बस मेरे को रहता है कि हम मोटिवेटेड रहें और जान डाल देनी है दिल डाल देनी है चाहे वो कोई भी काम हो छोटा मोटा काम हो और पॉजिटिव वे से करना है तो मैं आपको भी यही गाइड करूँगा जब भी आप किसी बच्चे को सिखाते हो या किसी का मेकअप करते हो कभी भी आपने फेड फेडअप नहीं होना चाहे क्लाइंट कैसा भी है चाहे बच्चा कैसा भी है बट वो शायद बहुत मुश्किल से आपको पे कर रहा है शायद वो बहुत मुश्किल से अपना ड्रीम पूरा कर रहा है आपसे मेकअप करवाने का तो हमें नहीं पता हमने कैसे पैसे जोड़े जो हमने बिजनेस बनाया या उन्होंने कैसे पैसे जोड़े अपने मतलब अपना मेकअप आपसे करवाने के लिए तो पूरा दिलो जान से अपना मेकअप करो और थैंक यू सो मच तो गाइज़ इस वीडियो में हमने बात करी कि मेरी जर्नी मेकअप आर्टिस्ट बनने तक कैसी रही और बहुत सारी मैं आजकल वीडियोस आपके लिए ऐसी शॉर्ट कर रहा हूँ जिसमें भरपूर नॉलेज मोटिवेशन और आपको एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनने में हेल्प करेगी सो so, बहुत जल्दी मिलेंगे हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही मोटिवेटेड वीडियो में या बहुत ही सुंदर मेकअप के साथ बाय बाय थैंक यू सो मच